الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. میرا نام عبد الوهاب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشن تلاوت کورس. मेरी हंसी से तो आप पहचान गए होंगे कि मुझे कितनी खुशी हुई है. आखिर मेरा ड्रीम माइक आ ही गया, जो मेरा ख्वाब था कि इंशाल्लाह एक दिन मैं ये लूँगा. क्योंकि मैं ये माइक शरीफ मुस्तफ़ा के पास भी देखता था, इस्लाम सभी के पास भी होता है, हमज़ा बुदीब के पास भी होता है, और अब्दुर्रहमान मसद भी ये यूज़ करते हैं. मतलब प्रोफेशनल लेवल नंबर वन पर ये माइक था. क्योंकि सस्ता तो था नहीं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा मुझे लेने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे तैसे करके मैंने ये ले लिया. लेकिन वो जो माइक है BM-800 माइक, उसने भी मेरा काफ़ी साथ दिया, 3-4 साल मेरे साथ रहा. आप लोगों की अगर गुंजाइश बन जाए तो आप ये ले लीजिएगा. USB माइक है, लेकिन लेवल वन पे आप इसका YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं. ये पड़ा है मेरे सामने, काफ़ी सारा वेट है, कम से कम इसका वेट 5 किलो होगा. आप मेरे उठाने से अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा. ये मैंने यहाँ पर जो लिया है, जिस कंट्री में हूँ, वैसे तो इसकी प्राइस है कम से कम 18,000-12,000, ठीक है. लेकिन मुझे मिल गया है ये तकरीबन 5-6 हज़ार का मुझे मिल गया, ठीक है. और ये पाकिस्तानी, इसकी प्राइस मैंने चेक की, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं, तकरीबन 65,000 का है, 65,000 का पाकिस्तानी बनता है, और मेरे ख्याल से इंडियन 12-13 हज़ार का है, मुख्तलिफ रेट है. तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई है, और इंशाल्लाह फौरन इस पर रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कम से कम हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ते लगें. उसकी वजह ये है कि उस माइक में मैंने काफ़ी सारी रिकॉर्डिंगें की हुई है, जो मेरे PC में काफ़ी सारी पड़ी हुई है. हो सकता है उन पर एडिटिंग करके, उनको फाइनल करके, अपलोड करके, जब वो सारी ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह इसका इस पे रिकॉर्डिंग करूँगा. तो देखते हैं क्या फ़र्क होगा. फ़र्क तो हो सकता है होगा. तो चलें अनबॉक्सिंग करते हैं, आप भी हमारे साथ देखें. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं, खोलते हैं इसको. अब देख सकते हैं इसकी पैकिंग. पहले आपको मैं सोचा कि पैकिंग दिखा, तो उसके बाद मैं इसको खोलता हूँ, ठीक है. ये देखें, ये डब्बा है इसका. चलें खोलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ. बहुत वेट है, बहुत अच्छा खासा वेट है. ओपन करते हैं, क्या क्या है इसके साथ, क्या क्या मिला है. कुछ भी ना मिले, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है. वैसे इसका वो सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, स्टैंड, हर चीज़ें पड़ी हैं, मैं उनका यूज़ कर लूँगा. मुझे सिर्फ ये मिल जाए, बहुत है. अल्लाह ताला आप लोगों को भी दे. देखें, मैंने आप लोगों को बताया कि देखें, अगर आपका बजट नहीं है, लो बजट है, तो आप इस पर काम करें, इस पर रिकॉर्डिंग करें. ये भी अच्छा है आप लोगों के सामने. आप लोगों ने इसकी क्वालिटी, रिज़ल्ट, मेरी तलावत सुनते रहते हैं, वो इसकी है. लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पर भी आएगी. हो सकता है 1-2 हफ्ते लगें. इसका मैं सेटअप करूँगा, इसको समझूँगा उसके बाद, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे फ्यूचर आए और बटन इसके अपने दिए होते हैं. इसमें साउंड कार्ड की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती, फंटम पावर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. USB माइक है, ये सारी चीज़ें साउंड कार्ड इसके अंदर मेरे ख्याल से ये कंपनी दे देती है. माशाल्लाह माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अच्छा खासा वेट इसका. तब के मैंने कहीं गलत तो नहीं खोल दिया, उल्टे ही खोल दिया मैंने. क्या चीज़ है ये, अच्छा खासा वेट है इसका. आप तो साइड पे हो जाओ, मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं है. बाद में देखेंगे जो भी हैं, पहले हम अपने दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को पहले ये चीज़ दिखा दें. इस छोटे से फुलतुरू का ही कम से कम होगा 1 पाव वज़न तो इसका होगा.
माशाल्लाह माशाल्लाह। यकीन करें मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने ले लिया और मेरे हाथ में। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस पे रिकॉर्डिंग होगी। कितना प्यारा है, वेट देखें इसका, ये मेटल जो है ना ये बहुत ही मजबूत है। ये देखें ये बटन, काफ़ी सारे इसके अंदर फ्यूचर हैं, बटन दिए हैं इसके अंदर। डबल ट्रैक, ये वॉल्यूम, मेरा स्लो पढ़ने का अंदाज़ है तो आप जो है ना यहाँ से इसको वॉल्यूम फुल कर दें बस, उसके बाद आवाज़ आपकी खुद ही पकड़ेगा जितना भी दूर होगा। तो ये है, ये देखें इसका स्टैंड खुद का अपना है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके साथ वीडियो बनाऊंगा तिलावत के साथ, जैसे वीडियो स्कैम होता है, वीडियो कैम। मेरी दुआ अल्लाह पाक आप लोगों को भी दे। अगर बजट नहीं है तो देखें, मैंने आप लोगों का है कि BM 800 से शुरू करें अगर बजट है तो। उसके बाद होता है नंबर वन पर ये है, इसके बाद दूसरे नंबर पे है रूट का, ठीक है। रूट के बाद फिर ये बोया का है, कुछ और कंपनियां भी हैं, और उसके बाद मोनो का है, मोनो का भी अच्छा है, USB माइक है। तो ये देखें ये लगती है इसके नीचे माइक के, ये देखें ये इस तरह होती है, और ये USB, ये लगेगी लैपटॉप में, लैपटॉप में या PC में लगेगी। अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं PC में लगेगी, अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं तो लैपटॉप में लगेगी बस। ना साउंड कार्ड ना फंटम पावर, ये है। बाकी इसके साथ ये है, ये क्या चीज़ है, बहरहाल होगा इसका भी कोई मकसद होगा। फ़िलहाल ये मेरे काम का नहीं है, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, इतना ही काफ़ी है। ऐसे रख के जो है ना मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, सब्र किया, काम को जारी रखा, जो भी हाल था आप लोगों के सामने था, अल्लाह पाक ने ये भी दे दिया। क्योंकि एक शौक, देखें ना आप जिस चीज़ को दिल से चाहेंगे ना, अपनी फील्ड के साथ अपने काम के साथ अगर आप दिल से सच्चे होंगे ना, मेहनत करेंगे, अल्लाह पाक आपको दे देगा। चाहता तो मैं बहुत जल्दी ले सकता था, लेकिन नहीं, इंसान की अपनी भी कुछ ज़रूरियात होती हैं, पहले बंदा उसको पूरी करे। क्योंकि वो मेरे पास था, काम तो वो भी दे रहा था, इतनी कोई जल्दी इमरजेंसी नहीं थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने देखा कि हाँ मेरे पास बजट है, मैं ले सकता हूँ, तो फिर मैंने लिया। अब आप ख़ुद देखें ना, पाकिस्तानी 65,000 का माइक, सोच के ही बंदा बोलेगा यार कौन ले, और उस माइक में आखिर होगा क्या। अब अंदाज़ा लगाएं कहाँ ये 10-12 हज़ार वाले माइक पे आप लोग इतनी अच्छी तलावत सुनते हैं, आप कहते हैं बड़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है, प्रॉपर प्लगइन्स का भी कमाल है, कहाँ 10-12 हज़ार वाला माइक, कहाँ 65,000 वाला माइक। तो ज़ाहिर सी बात है फ़र्क होगा, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। आप ख़ुद देखिएगा दोबारा, शरीफ मुस्तफ़ा की आप देख रहे हैं तलावत, आप लोगों ने देखी होगी, उसके सामने भी यही माइक होता है। इस्लाम सभी के वो भी यही यूज़ करता है, हमज़ा बुदी वो भी यही यूज़ करता है, तकरीबन यही होता है। तो ख़ुद भी YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा, आपको अच्छा खासा इसके बारे में पता चलेगा। तो अभी तो मुझे इसका पता नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के सामने अनबॉक्सिंग की, आया आज तो मैंने आप लोगों के सामने वीडियो बना दी, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये चीज़। बाकी इस पर फ़ौरन रिकॉर्डिंग नहीं आएगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी तलावतें इस माइक पर बनी हुई हैं, सिर्फ उन पर काम करना है और फिर अपलोड करनी है। जब वो सारी फ़ाइनल हो जाएंगी, क्योंकि कुछ PC में पड़ी हुई हैं तलावतें, मतलब कंप्यूटर में, ये जो नया कंप्यूटर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कंप्यूटर भी मुझे नया मिला, जैसा कि हम लोग को बताया था, मेरे गिफ्ट मिला मुझे PC के साथ, और लैपटॉप को भी मैंने पहले ही साइड पे कर दिया था, उसके अंदर भी पहले से रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, उन पे भी काम करना है, उन सबको फाइनल करके उनको अपलोड करके उसके बाद फिर यहां से मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग शुरू करूंगा। तो फिर देखते हैं फ़र्क होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं, इसके लिए दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला जो है ना इसको समझने की और इस पर अच्छा सा काम करने की और आप लोगों को बेहतर क्वालिटी दिखाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप लोगों को भी, आप लोगों ने ये काम शुरू किया है मेरी वीडियोस को देखने के बाद, मेरे आने के बाद, तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को भी हिम्मत दे और ये वाला माइक प्रोफेशनल लेवल पर ये वाला ले लें और इस पर रिकॉर्डिंग करें, बिल्कुल ही प्रो लेवल पर बन जाएँ। अब मेरे ख्याल से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, प्लगइन्स तो पहले ही से थे, लैपटॉप कंप्यूटर भी था, कमी थी तो सिर्फ इस चीज़ की कमी थी, मेरा अपना अंदाज़ अच्छा था, मेरी तलावत भी अच्छी थी, सब कुछ था, सिर्फ नहीं था तो ये था, आज ये भी आ गया, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं देख रहा हूँ कि ड्रीम तो नहीं देख रहा, कि ख्वाब तो नहीं देख रहा। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये मेरा जो ना मेरी खुशी, हालांकि शायद कोई ऐसी वीडियो होगी जिसमें मेरी आपको इस तरह की खुशी महसूस हो रही होगी, तो आप खुद मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे सामने क्या चीज़ पड़ी हुई है। मेरा ख्वाब पड़ा हुआ है, मेरे इस फील्ड का मेरा सपना था, मेरा ड्रीम पड़ा हुआ है,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट्स कर दीजिएगा। तब तक हम इसका सेटअप का इंतज़ाम करें, उस बेचारे को आप निकालें, ठीक है, उसको निकालें इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, और अपने डब्बे में जाके इसको पैक कर दें उसकी सारी चीज़ें, और फ़िल्टर रहने दें, और अब इसको लेकर आएँ। उसने हमारा बहुत साथ दिया, उसको बेचूंगा नहीं, ना किसी को दूंगा। आप लोगों में से किसी को दे देता मैंने हालांकि कहा था, लेकिन अगर आप लोग यहाँ होते तो, या फिर मैं पाकिस्तान में होता तो चलो कर लेता। आप लोग मिलो दूर हो मुझसे, मैं बहुत दूर हूँ आप लोगों से। तो इसको पैक कर देता हूँ अपनी डब्बे में वापस साइड पे, जिस तरह लैपटॉप को भी साइड पे कर दिया कंप्यूटर आने के बाद। और अब ये देखते हैं ये क्या करता है, कुछ हम अपना किरदार करेंगे। मैंने पहले भी जैसे कहा था कि प्रो प्लगइन्स हो जाए आपके पास, महंगे से महंगा माइक हो जाए आपके पास, ये स्टूडियो सिस्टम सबसे महंगा हो जाए आपके पास। अगर आपको पढ़ने का अंदाज का पता नहीं है, आपको आपका तर्स ठीक नहीं है, तो ये सारी चीज़ें किसी काम की नहीं है। ये सब चीज़ें हो जाना कोई कमाल नहीं है कि हमने ये कर ली तो हमने रॉकेट लॉन्चर चला लिया। नहीं, इंसान के अपने अंदर भी, हालांकि देखें कितना लो बजट में माइक था मेरे पास, लेकिन मेरे अंदर भी क्वालिटी थी, मेरे अंदर भी पढ़ने का एक तरीका था, एक अंदाज था, तो उस पर भी कर रहा था। अगर बंदे को ना आए ना, तो वो इस माइक के सामने उसको बिठा दो तो वो नहीं कर पाएगा। अगर बंदे को सही रिकॉर्डिंग करना है ना, वो इस माइक पे, तो क्या वो कॉलर वाले माइक पे भी कमाल कर देगा। तो ये चीज़ होती है, यही चीज़ आप लोगों को मैं सिखा रहा होता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।